blown up because of the something annoying wind. So many medals. टेन इनक्रेडिबल रोड मोमेंट्स कॉट ऑन कैमरा। दोस्तों, अक्सर हम रोड पर चलते समय कुछ ऐसी अजीब चीजें देख लेते हैं जिसे देखकर हम अपनी हंसी नहीं रोक पाते, और बहुत से लोग तो ऐसे अजीब और इंटरेस्टिंग पलों को आपके कैमरा में कैद भी कर लेते हैं। जैसे ये लोग कैसे कुछ पैसे बचाने के चक्कर में रिस्क ले लेते हैं, कैसे लोग ट्रैफिक सिग्नल पर ग्रीन लाइट का इंतजार करते करते वहीं सो जाते हैं, और कैसे रोड किनारे खड़ी एक सुंदर लड़की रोड एक्सीडेंट भी करा सकती है। आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कैमरा में कैद हुए 10 इंटरेस्टिंग वीडियो क्लिप्स दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे, और कुछ वीडियोस तो ऐसी भी हैं जिन्हें देखकर आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। नंबर 10, बढ़ती हुई महंगाई में सबसे ज्यादा अंतर अगर किसी चीज में देखने को मिला है तो वो है तेल और पेट्रोल के दामों में। पूरे देश में तेजी से पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, पर महंगाई के कारण हम अपनी जिंदगी तो नहीं रोक सकते भाई। तभी इस बढ़ती हुई महंगाई में कुछ पैसे बचाने के चक्कर में लोग बहुत सी ट्रिक्स अपनाते हैं। जैसे कि इन महाशय को देख लीजिए, इनको कहीं सामान डिलीवरी करनी होगी या फिर खुद अपने घर के लिए ही सामान ले जा रहे होंगे, पर थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में इन्होंने अपनी भी परवाह नहीं की और स्कूटी पर आगे रखा सामान खुद पीछे लटक कर चले जा रहे हैं। सोचिए अगर कोई गाड़ी या जानवर इनके सामने आ गया तो इनका क्या हाल होगा भाई। नंबर 9, अक्सर हमारे साथ यही होता है कि अगर हमारे घर पर बाइक या कार मौजूद नहीं है तो हमारे बहुत से काम रुक जाते हैं, क्योंकि मेहनत करना हम चाहते नहीं, पर बाइक या कार की वजह से अपना काम रोकना महज अब एक बहाना रह गया है, क्योंकि जिस काम करने की लगन और जरूरत हो ना, वो कुछ भी करके उस काम को कर ही लेता है, फिर चाहे घर में बाइक हो या फिर बाइक ना हो, और या फिर साइकिल का हैंडल ही साइकिल से गायब हो गया हो। अभी देखिए, आपको मेरी बातें मजाक लग रही हैं, तो जरा इस लड़के को देख लीजिए भाई, ये किस तरह से बिना हैंडल की साइकिल चला रहा है, और सिर्फ चला नहीं रहा है बल्कि अपने कंधे पर बहुत सारी लकड़ियां भी लेकर जा रहा है। नंबर 8, हम मिडिल क्लास फैमिलीज की यही समस्या होती है कि हमारी फैमिलीज की साइज अक्सर हमारी कार से ज्यादा बड़ी होती है, जिस वजह से पूरी फैमिली मेंबर्स एक बार में एक साथ कार में ट्रैवल नहीं कर पाते। पर अगर आप वीडियो में दिख रहे इन लोगों को देखकर इनकी जगह यह जुगाड़ अपना लें तो आप भी अपनी पूरी फैमिली को एक साथ ट्रिप पर ले जा सकते हैं। जरा देखिए इन लोगों को, कैसे इन्होंने अपनी कार की डिग्गी का कितने बखूबी इस्तेमाल किया है। दोस्तों, अगर आपको ग्रीन सिग्नल होने के बावजूद भी बीच सड़क पर कोई गाड़ी खड़ी मिल जाए तो जरा उस गाड़ी के पास में आकर एक बार देख जरूर लीजिएगा, हो सकता है कि ड्राइवर ट्रैफिक सिग्नल का इंतजार करते करते सो गया हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा तो जरा इस वीडियो क्लिप को ध्यान से देखिए। इस क्लिप में कार की हेडलाइट चालू है पर अंदर मौजूद कपल्स आराम से सो रहे हैं, और इनकी कार के पीछे गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है। तभी एक आदमी आता है और इनको उठा देता है। नंबर 6, दोस्तों बोलते हैं ना, ड्राइव करते समय आपका पूरा ध्यान सामने रोड पर होना चाहिए, पर हम इस बात को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं, और ड्राइव करते समय अक्सर फोन पर अगल बगल वालों से बात करने लग जाते हैं। पर इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद आप ड्राइविंग करते समय सामने रोड पर ही ध्यान देंगे। जरा वीडियो क्लिप में देखिए कैसे रोड किनारे लगे हुए पेड़ तेज हवा और मौसम बिगड़ने के कारण एक के बाद एक गिरते जा रहे हैं। अगर इस कार का ड्राइवर सामने फोकस नहीं करता ना, तो कार के साथ ड्राइवर और अंदर बैठे लोगों को नुकसान हो सकता था। नंबर 5, दोस्तों आपने बहुत बार लोगों को बकरियों, मुर्गों, सुअर और कई जानवरों को पकड़कर अलग अलग तरीकों से ले जाते हुए देखा होगा, पर वीडियो क्लिप में दिख रहा ये तरीका शायद ही आप में से किसी ने देखा होगा। जरा देखिए किस तरह से ये व्यक्ति एक बहुत बड़े सुअर को अपनी बाइक के पीछे बांध कर ले जा रहा है। इस ट्रिक में उसे किसी दूसरे व्यक्ति की भी जरूरत नहीं है, और अगर कोई दूसरा व्यक्ति इसके साथ होता भी तो शायद इतने बड़े सुअर को पीछे पकड़ कर बैठ पाता। नंबर 4, थोड़ा पैसा बचाने के चक्कर में लोग क्या क्या नहीं करते भाई, इसका उदाहरण मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ। इस वीडियो क्लिप में स्कूटी पर सवार दो व्यक्ति दिख रहे हैं, जिसमें एक व्यक्ति स्कूटी चलाने की कोशिश कर रहा है और दूसरा व्यक्ति पीछे बैठकर फ्रिज पकड़े हुए। आगे वाले व्यक्ति से स्कूटी अच्छे से चलाते भी नहीं बन रही, पर फिर भी इन लोगों ने फ्रिज को खुद ले जाना पसंद किया। हालांकि ये लोग थोड़ा पैसा खर्च करके फ्रिज की डिलीवरी भी करा सकते थे, पर हम भारतीय हैं भाई, हम हर जगह पैसा बचाने की सोचते हैं, फिर चाहे उससे हमारा दोगुना नुकसान ही क्यों ना हो जाए। नंबर 3, दोस्तों हमेशा रोड एक्सीडेंट होने की बजाय कोई गाड़ी या जानवर नहीं होता।
बल्कि आपको रोड पर बहुत सारी ऐसी चीजें या फिर कहीं कोई ऐसा व्यक्ति दिख जाता है जिस वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और आपका ध्यान सामने हट जाता है। जैसे वीडियो में दिख रही है खूबसूरत सी मोहतरमा, ये पता नहीं रोड पर क्यों खड़ी हुई है, पर ये मोहतरमा बहुत लोगों के डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकती है। नंबर दो, आपने कई बार एक्शन मूवीज में देखा होगा कि कैसे हीरो अपने हाथों से बड़ी कार और ट्रक उठा लेता है, पर ये सब तो फिल्मों की बातें हैं। इस वीडियो क्लिप में आपको रियल लाइफ हीरो से मिलवाते हैं जो अपने हाथों से पूरा ट्रक हिला सकता है। दोस्तों जरा इस वीडियो क्लिप में मौजूद इस व्यक्ति को देखिए, ये कैसे अपने बाजुओं के दम पर पूरा ट्रक हिला रहा है। खैर ये सब देख कर तो साफ समझ आ रहा है कि ये ट्रक कुछ अलग ही मटेरियल का बना हुआ है जो कि बहुत ज्यादा हल्का है, पर बात समझ के बाहर है कि आखिर इस ट्रक को बनाने के पीछे वजह क्या होगी। इस बारे में वैसे आप क्या कहना चाहते हैं बताएं। नंबर एक, दोस्तों बोलते हैं ना पार्किंग से कार उठने से पहले उसके ऊपर जमी हुई डस्ट साफ कर लेनी चाहिए, पर अक्सर हम इतनी जल्दी में होते हैं कि इन सब चीजों पर हमारा ध्यान नहीं जाता और हम सीधा कार उठाकर निकल जाते हैं। पर अगर आपकी कार के ऊपर बर्फ जमी हुई है तो 2 मिनट लगा पर पहले साफ जरूर कर लीजिए, वरना आपके साथ भी ऐसा हो सकता है जैसा इन लोगों के साथ हुआ। कार चलाते चलाते बीच रास्ते में पूरी बर्फ कार की रूफ से नीचे फ्रंट मिरर पर आ गई, जो कि काफी खतरनाक है और इससे कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हाँ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।